राजनांदगांव शहर के बसंतपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित एक पोहा मिल में कार्यरत महिला की मशीन से पट्टे में फंसने से मौत हो गई। महिला लगभग 3 वर्षों से उक्त पोहा मिल में कार्य कर रही थी। राजनांदगांव शहर के बसंतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत महामाया चौक के समीप बसंतपुर रोड पर स्थित विष्णु प्रसाद अमित कुमार पोहा मिल में कार्यरत मोहारा निवासी अनुपा यादव की पोहा मिल के मशीन के पट्टे में फंसने से मौत हो गई। रोज की तरह सुबह लगभग 6 बजे पोहा मिल में काम करने के लिए सभी महिलाओं के साथ अनुपा यादव भी पहुंची थी। इस दौरान मशीन का पट्टा गिर जाने पर वह वापस उस पट्टे को चढ़ा रही थी। इसी दौरान उसकी साड़ी का पल्लू मशीन के पट्टे से फंस गया, जिससे वह रोटर की तरह चपेट में आ गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना से अन्य महिलाओं की चीख पुकार सुनकर साथ में काम कर रहे मजदूर भी वहां पहुंचे, लेकिन तब तक अनुपा ने दम तोड़ दिया था। पोहा मिल में कार्य करने वाली ओमबाई का कहना है कि अनुपा यादव मशीन का पट्टा चढ़ा रही थी, तभी ये हादसा हुआ। वहीं पोहा मिल के संचालक का कहना है कि हादसे के वक्त वो घर पर थे। घटना की सूचना पुलिस और मृतक के परिजनों के द्वारा दी गई। मतलब पट्टा चढ़ाला जात रही से, वो जो पल्लो है ना, वही मेंगल में फंसी से, कमर जो लगी से ओकर पट्टी में 2 कुटका वही कर हो गए। मतलब चालू रही से मशीन, हाँ, ओकर मशीन बंद रही से, चालू हालत में ही चघाथन मशीन के पट्टा ला, तो है ना, उसने जात इस पर लोग खिंचा गए, ओकर इंगल में लिपट गए, कमर लग इस पट्टी में, वही कर 2 कुटका हो गए। तो वो वही फंसे रही इसका जब हुई? मतलब फंसीस नहीं है, फंसीस नहीं, मतलब साड़ी भसना ओकर इंगल में फंसे रही से, अब इंगल में फंसी साड़ी है, तो मशीन में कमर है जो लगी ना, वही कर 2 कुटका हो गई। कब से काम कर रहे थे और का बन थे यहाँ पे? पोहा, मतलब 2 साल हो गए। का नाम है वो लेडीज के? अनुपा यादव, हाँ, मतलब ओ मुहारा। रोज की तरह सुबह 6 बजे आज काम चालू हुआ। सब काम बराबर चल रहा था। मैं 11 बजे करीबन तैयार होने के लिए घर गया, जिसमें यह हादसा हुआ, जिसकी तुरंत पुलिस को और उनके परिवारजनों को सूचना दी गई। जो मृतक है वो कहाँ के निवासी? वो मोहारा के निवासी है। वो पिछले 3 साल से काम कर रही थी। यहाँ क्या चीज़ का उत्पादन? यहाँ पोहा बनता है। अनुपा यादव लगभग 3 वर्षों से पोहा मिल में काम कर रही थी, लेकिन मिल में मजदूरों की सुरक्षा को लेकर कोई भी उपाय नहीं किए गए थे। मजदूरों के लिए कोई बेहतर सुविधा भी नहीं है। काम करते वक्त सुरक्षात्मक कपड़े भी मजदूरों को यहां पर नहीं दिए गए थे। यही कारण है कि मशीन का पट्टा चढ़ाते वक्त महिला की साड़ी का पल्लू पट्टे में फंस गया और ऐसी घटना घट गई। इस मामले में पुलिस ने मर्ग कायम करते हुए मामले को जांच में ले लिया है। राजनांदगांव के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय महादेवा का कहना है कि पूरी घटना की जांच की जा रही है। हाँ, अनुपा बाई यादव एक पोहा मिल में काम करती थी, मोहारा के रहने वाली थी। तो आज पट्टा चढ़ाते समय एक हादसा हुआ और उस हादसे के दौरान उनको चोट लगी और फिर बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। अभी पुलिस ने उसमें मर्ग पंजीबद्ध किया है और पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को रवाना कर दिया है। पंचनामा और पोस्टमार्टम के बाद में फिर उनके परिवार को उसको सुपुर्द कर दिया जाएगा। पोहा मिल में काम के दौरान महिला के पट्टे में फंसने से मौत होने के बाद घटना की सूचना पुलिस और मृतका के परिजनों को दी गई। उसके बाद शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। इस हादसे के बाद से पोहा मिल में कार्यरत अन्य महिला मजदूरों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। वहीं हादसे से अन्य मजदूरों में भी शोक और भय का माहौल बना हुआ है। बहरहाल इस पूरे मामले में पुलिस जाँच कर रही है, इसके बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए राजनांदगांव से हफीज खान की रिपोर्ट।